फ्रेंड्स, ये जो है अशोक लेलैंड की एक बस है जो कि 50 पीपल्स की कैपेसिटी के साथ एयर कंडीशन बस बनाई है अशोक लेलैंड ने, जो कि अहमदाबाद पे उनके सर्किट 30 किलोमीटर्स का रेडियस है उस रिंग रूट के लिए बनाया है और इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जिसमें फर्स्ट टाइम इंडिया में बैटरी स्वैप टेक्नोलॉजी बनाया गया है। ये 40 किलोमीटर रेंज की इसमें बैटरी रखी गई है जिसकी कैपेसिटी हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बट ये स्पेसिफाई 40 किलोमीटर्स के लिए बनाया गया ताकि बैटरी ज़्यादा ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें खड़े हो सके, तो गाड़ी का वेट कम रहेगा। एक कंप्लीट एयर कंडीशन टोटली डिजिटल बस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आरामदायक सीट है इसमें, और ये 30 किलोमीटर्स का रेडियस जो है उसमें चलेगा और 40 किलोमीटर्स पे इसका बैटरी स्वैप होगा। इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि बैटरी बहुत लाइट है और सिंगल बैटरी रखा गया है। इसके बाद अगर हम इसका रेंज चाहे तो बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं, 150-200 तक इसका रेंज कर सकते हैं, बट इसको रूट बहुत छोटा है, इसके लिए स्पेशली बना के फर्स्ट बस जो है अभी लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट इसको। इसका जीरो इमिशन बस है, सर्किट इसका नाम रखा गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग ये बस अशोक लेलैंड ने बनाया है, इसमें क्या है अंदर इंटीरियर और कैसे है। अभी ये जो है प्लेटफॉर्म पे से ऊपर चढ़ने के लिए है और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लो हाइट है, यहाँ पे एंट्रेंस दिया गया है, नॉर्मली पैसेंजर यहाँ से चढ़ेंगे और अगर प्लेटफॉर्म बस स्टॉप से चढ़ना है तो यहाँ पे चढ़ सकते हैं। हम लोग सबसे पहले आगे की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं पूरा इंस्ट्रूमेंटल पैनल यहाँ पर है, यहाँ डिजिटली दिखेगा। रिवर्स कैमरा, GPS हर चीज़ से लैस है। बैठने के लिए सीट बहुत ही कम्फर्टेबल और बहुत लाइट बनाया गया है, इससे बस का जो है वेट काफ़ी कम हो जाता है और स्टैंडिंग पैसेंजर्स बहुत बैठ सकते हैं इसमें। अभी हम लोग लास्ट सीट पे हैं और बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, जगह बहुत ज़्यादा है, स्टैंडिंग पैसेंजर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, कंप्लीट एयर कंडीशन है। यहाँ पे अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर्स वगैरह दिए गए हैं, तो बहुत अच्छा है कि गुजरात गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच रही है और देखते हैं ये बस का क्या रिस्पांस मिलता है। गवर्नमेंट का ऐसा है कि जो ऑलरेडी सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ इतना पॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए और ख़ास करके इलेक्ट्रिक बसेस जिसकी बहुत ही ज़रूरत है। मुंबई में भी कुछ बसेस हैं जो कि हाइब्रिड चल रही हैं, बट यहाँ फर्स्ट टाइम जो है टेक्नोलॉजी बैटरी स्वैपिंग की आई है। तो थैंक्स टू गुजरात गवर्नमेंट एंड अशोक लेलैंड टू क्रिएट थिंग लाइक दिस।